ईद कुर्बान पे लोगों का जो ख़रीदारी है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है और लोगों की पहुंच में नहीं रही, क्योंकि हमारी तो रवायात में ये शामिल है कि हम ये जो मसाला जात हैं इसी से हमारी डिशेस तैयार होती हैं, इसी से हमारी ज़ियाफ़तें का जो रंग है वो दुबाला होता है। तो ये बहुत इस वक्त लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, अगर बॉर्डर खोल देना आज तो तकरीबन मसाले सारे आधे रेट पे हो जाएं। अब ज़ीरा है, पहले 1000 रुपये किलो था, 2400 रुपये किलो, क्या जी बॉर्डर बंद हो गए, सारे मसाले आते हैं हमारे बाहर से, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, आज खोल दें देखें आधे रेट हो जाएंगे, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। तो ये इनकी मर्ज़ी है, अगर आप खोलते हैं तो आवाम की बेहतरी सोचते हैं। मसाला जात के रेट इस टाइम डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, जो मिर्चें पहले 250-300 रुपये किलो थी आज 800 रुपये किलो मिर्च हो गई है, ऐसी गर्म मसाला पहले 1000 रुपये किलो था 2400 रुपये किलो हो गया, ज़ीरा 1000 से 2400 रुपये किलो, हल्दी जो 250-300 थी आज 500 रुपये किलो हो गई है, हर चीज़ के रेट 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। जब जिसका दिल का रेट बढ़ा लेता है, चाहे मंडी वाले चाहे शॉप कीपर है, कोई रेट पूछने वाला नहीं इनसे। 1000 रुपया दिहाड़ी है, मैं यही कहूँगा कि उसका दिहाड़ी में 1000 में क्या आता है। अब घी का इतना रेट हुआ पड़ा है, मसाले के देखो 2400-2500, काली मिर्च वगैरह 1600, ये इतने रेट हैं। हुकूमत से यही कह सकते हैं कि भाई कुछ गरीब का तर्स करें।